सुहाय भाई लोग कैसे सर, मैं हूँ आदिल। आप देख रहे हो रेड 512 फॉर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे फास्टेस्ट लेवल अप कर सकते हो, क्योंकि हर एक को फास्टेस्ट लेवल अप करना होता है, क्योंकि एक सेकेंडरी अकाउंट से उन्हें सीसी से बैटल करना होता है, और सीसी से बैटल कर पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं बंदे ताकि मास्टर बॉल मिल जाए, है ना। तो उसके लिए वो 35 लेवल का एक अकाउंट क्रिएट कर रख देते हैं, और मास्टर बॉल मात्र 2 हफ्ते के अंदर वो इजीली एक मास्टर बॉल बना लेते हैं। 2 महीने के अंदर, गलती से निकल गया, 2 महीने के अंदर एक मास्टर बॉल इजीली वो अर्न कर लेते हैं अपने सेकेंडरी अकाउंट की मदद से। सो क्या करते हैं वो, सीसी में दोनों साथ स्टार्ट करते हैं और ये जो ड्यूल अकाउंट है वो एग्जिट कर देता है। सो उसी के लिए मैं आपको आज बताना रहा हूँ कैसे इजीली इसमें लेवल अप कर सकते हो, यानी कि इजीली आपका 2-3 डेज में इजीली आपका 35 लेवल हो जाएगा। ओके, उसके लिए आपको आपकी फ्रेंडशिप शॉप में जाना और जल्दी से जाकर वहाँ पर एक डायमंड ऑप्शन होता है, वहाँ से मॉपअप टिकट्स बाय कर लेना है, ठीक है ना। मॉपअप टिकट्स बाय कर लेना, फिर उसके बाद एक बैटल करना आपने, बस एक बैटल कर लेने के बाद मैं देख सकते हो मैंने एक बैटल कर दिया हुआ हूँ, और यहाँ पर मैं अपने डायमंड्स कंज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 10x10 मारेंगे हम सारे के सारे। यहाँ पे ये जितने भी डायमंड्स मांग रहा है मैं देता जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने 10 मारे पूरे के पूरे, देख सकते हो इजी लेवल अप, और 7th भी होने वाला है। देख सकते हो डायरेक्ट किस पे था, मैं अपने लेवल देखा होगा स्टार्ट होते टाइम, वीडियो लेवल कितना ज़्यादा अप हुआ है मेरा, इजी एकदम। और यहाँ पे मैं और एक बार ट्राई करूँगा, और यहाँ पे हॉर मैं किया और ये हो गई लेवल 10। यहाँ पे हॉर मैंने 10 डायमंड कंज्यूम करे, हॉर मैंने 10 टाइम्स मॉपअप किया, ये हो गई लेवल 12। यहाँ पे हॉर मैंने वही ट्रिक आजमाई, हॉर मैंने मॉपअप किया, ये हो गई लेवल 13। हॉर मॉपअप किया मैंने, और उसके बाद हॉर मैंने देख सकते हो लेवल 14 हो गया मेरा। यहाँ पे मैं और डायमंड से परचेज करता हूँ मॉपअप टिकट, और मेरा लेवल 15 हो चुका है, ठीक है। 15 होने के बाद यहाँ से बैक निकल के आना है, और पहले तो मैं यहाँ से डायमंड्स क्लेम कर लेता हूँ। डायमंड्स पे ध्यान दोगे तो आपका कभी जल्दी से नहीं आ सकता, आपका अकाउंट कभी जल्दी से लेवल अप नहीं हो सकता, आपको डायमंड्स को ध्यान नहीं देना होगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कंज्यूम करना होगा आपके डायमंड्स को, तब जाके आप इजीली एक ड्यूल अकाउंट बना सकते हो। सो ये हो जाने के बाद यहाँ पर आते हैं, और ये देख सकते हो 120 XP मिल रहा है 15 से डायरेक्ट 16 लेवल अप। यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है तो यहाँ से भी हम क्लेम कर लेता हूँ, और ये देख सकते हो यहाँ पे ड्यूल हमारा ओपन हो चुका है, पोकेमॉन ड्यूल, और यहाँ से भी आप डायमंड्स अर्न कर सकते हो ना, तो आप जल्दी जल्दी डायमंड्स अर्न कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद आप कुछ नहीं करना, आपको ये देख सकते हो 10 डायमंड में 60 एक्सपीरियंस मिल रहा है, इसे भी क्लेम करते जाना है। ये गए 17 लेवल पर, यहाँ पे आ रहा है EXP देना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पोकेमॉन्स को लगा देंगे। ये गया स्क्वाडल, ये गया, ये दोनों को मैंने यहाँ पर ये दे दिया। अब यहाँ पर मुझे और 30 XP मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पोके पैलेस, ये सब तो लेवल ऑन होने के बाद मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे 3 बार ड्यूल भी खेलना है आपको, ठीक है ना, मैं 3 बार ड्यूल खेल कर आपको बता दूंगा। और यहाँ पर एक टास्क है ये वाला वेंडिंग मशीन का, आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 बार ये छोटे वाले ड्रॉज मारने, आपको 80 एक्सपीरियंस मिल जाएगा। छुट्टी है, मैं यहाँ पर ज़रा वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत आ रहा है, मैं हेडफोन में हूँ इसीलिए। और ये यहाँ पर देख सकते हो वेंडिंग मशीन से हमें मिला 60 XP, ये भी हमने कलेक्ट करा, लेवल अप हो गया। यहाँ पर आप इजी लेवल अप कर सकते हो, यहाँ पर आइटम बैग होता है ना, तो ये बैग से ना ये अदर आइटम्स में IV केक्स मिले 15, हम ये भी इस्तेमाल करेंगे अभी आगे। और अभी हमारा लेवल आ चुका है काफ़ी आगे, और एक लेवल बढ़ाने के बाद हमें ट्रायल ट्रेनिंग खुल जाएगा, ठीक है ना। सो ट्रायल ट्रेनिंग में भी हमें बैटल करना है, अभी फ़िलहाल मैं फटाक से यहाँ पर जाता हूँ और मॉपअप का काम करते हैं, वापस से मॉपअप करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉपअप करेंगे ना उतना जल्दी फास्ट लेवल अप हो जाएगा। देख सकते हो 18 लेवल हो चुका है, यहाँ पे मैंने मॉपअप टिकट्स और बाय किए हैं, 10 डायमंड्स के होते, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते मॉपअप टिकट्स। और अब हमारा लेवल आगे आ चुका है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। और यहाँ लेवल अप, यहाँ पे मैं लेवल 20 कर बताऊँगा आपको ईजीएस्ट वे, और ये यहाँ पे देख सकते हो आप ईजीएस्टली
एक लेवल और अप करना है हमें, और अब ये हो जाएगा आई थिंक सो, ये हो गया लेवल 20 हमारा। देख सकते हो भाई लोग, लेवल 2 का अकाउंट मैंने सिर्फ वैसे 5 मिनट के अंदर, आई थिंक सो 5 मिनट के अंदर मैंने इसे लेवल 20 पहुंचा दिया, लेवल 20 कर दिया भाई, इतना डेंजर मैंने अकाउंट को ये। और लेवल 15 का ग्रेवलर भी मिल गया, यहाँ से डायमंड्स भी मिल गए बहुत अच्छे। और अब देख सकते हो यहाँ पे हमें, अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है क्वेस्ट में। अब हमारा ये ओपन हो चुका है ट्रायल ट्रेनिंग का, यहाँ पे ट्रायल ट्रेनिंग में क्लिक करते हैं और जल्दी से फटाक से हरा देते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी लोड हो रहा है, तो अब यहाँ पे ट्रायल ट्रेनिंग करके हमारा 21 लेवल हो जाएगा, और 21 लेवल हो जाएगा ना फिर ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 3x स्पीड कर लेता हूँ ताकि आपको बोर ना हो, एक सेकंड में ऑटो ही कर देता हूँ। ये लो कर लो बात, इन्हीं को अभी भी आना था, बगल वाली आंटी को भी अभी आना था भाई लो। यार मैं जब वीडियो बनाता हूँ तभी सब क्यों आते हैं भाई। और यहाँ पे हमारे पोकेमॉन्स का लेवल 1 लो है, हमने बैटल ही नहीं करवाया है नहीं, इसीलिए हम हार गए। तो कोई टेंशन नहीं है, हारो या जीतो, EXP तो मिलना ही मिलना है हमें इसका। ये मिल गया हमें 100 EXP, हमने इसे कैश किया। और यहाँ पे कैश करने के बाद यहाँ पे हमारा आधे से ज़्यादा भर चुका है इजीली एकदम वो भी। और हमारा पोकेमॉन पहले 2 लेवल के बाद चालू होने वाला है, तो उसके लिए ना हम अपनी मॉपअप वाली ट्रिक को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। सो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वापस से मॉपअप वाली टिकट की हमारी, हाँ तो यहाँ पर आ चुके हैं हम। और यहाँ पर वापस से मॉपअप करना स्टार्ट करते हैं, और मॉपअप के लिए एनर्जी चाहिए। नहीं ना भाई रुकना, एनर्जी ला कर देता हूँ ना तेरे को। हमारे आईवी केक्स है ना भाई लोग, यहाँ से आईवी केक को कैश कर लेता हूँ, और ये आईवी केक्स होगा कैश। और ये यहाँ पे 10 मॉपअप स्टार्ट, आप ऐसे एलीट में भी कर सकते हो, बट एलीट में क्या है ना, आपको 3 करके रुक जाना पड़ेगा एलीट में मॉपअप करने के बाद, जो कि काफ़ी बेकार बात होती है। ये सबसे इजीएस्ट वे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वीडियो में, इजीएस्ट वे से कर सकते हो, काफ़ी आसानी पड़ेगी आपको, आप काफ़ी इजीली ये काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं 1 का मॉपअप टिकट्स बाय कर रहा हूँ, और 1 का यहाँ पे कैटरपी के टॉयस। भाई कितने टॉयस ले लिया होगा वैसे मैंने कैटरपी के, आप अंदाज़ा लगाना कमेंट सेक्शन में बताना। जिसका आंसर सही निकला ना तो उसे क्या करेंगे बताए, जिसका आंसर सही निकला ना तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा, ठीक है ना, ऐसा चलेगा ना भाई लोग। मजाक कर रहा हूँ भाई लोग, दिल पे मत ले लेना, ठीक है ना, मेरा ही फायदा देख रहे, ठीक है कोई ना। आईवी केक्स को कैश करते हैं यहाँ पर, और अरे शिट ब्रो मैं गलती से बैटल में आ गया यार, कोई ना स्केप कर देते हैं। अरे स्केप भाई मेरे साथ पहली बार हो रहा है ये, स्केप करते वक्त स्केप नहीं होने दे रहा है ये हमें, आप बताना आपके साथ कभी हुआ है क्या, स्केप नहीं करने दे रहा है तो ये। और यही हम ट्रिक करेंगे फटाक से, और 23 लेवल करेंगे फटाक से, उसके बाद मैं बताता हूँ 23 लेवल करने के बाद आपको क्या करना है। अरे क्या इन्हें भी सता रहा है ना भाई लोग, देखो ना, अभी इसको आईवी चाहिए, और आईवी तो इधर ही मिल सकती है खाली। हम आपको एक काम करते हैं, पूरे 10 कैश कर लेते हैं ना, बैम। चलो आप बताओ, अब तो मैं करूँगा ही लेवल, अब ये हो गया हमारा लेवल 23। अब यहाँ पे मैं होम बटन को प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें जाना है हमारे पोकेमॉन पैलेस में। यहाँ पे क्या होगा, पोकेमॉन पैलेस स्टार्ट हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, पता नहीं ये क्या ग्लिच चल रहा है पोकेमॉन पैलेस का, पता नहीं यार पोकेमॉन पैलेस क्यों नहीं चालू हुआ है। आई थिंक सो मेरे पोकेमॉन की 15 लेवल लगेगी पोकेमॉन पैलेस में घुसने के लिए। एक सेकंड मैं हमारे बल्बसॉर को 15 लेवल का कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा बल्बसॉर 15 लेवल का, अब पोकेमॉन पैलेस में घुस सकते हैं क्या। देख सकते हो गाइस आपका एक पोकेमॉन एटलीस्ट 15 लेवल का होना चाहिए पोकेमॉन पैलेस में घुसने के लिए।
और इस पर क्लिक करके बैटल पे जाते हैं और कुछ नहीं करना, बैटल नहीं करना है, लंबा स्केप करके बैठ जाना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन भाई क्या करें, इससे छोटा वीडियो नहीं बना सकते हैं, आपको समझाना पड़ेगा ना पूरा फास्टेस्ट लेवल अप कैसे करना है। तो सो ये पार्ट वन है भाई लोग, पार्ट टू मैं जल्दी ला लूँगा, तो जब आप देख लो ना पार्ट टू। और यहाँ पे एक टास्क है 150 का, हमें इलाइट में करने हैं 5 मॉपअप, ठीक है ना, तो इसे भी कर लेंगे। कैसे करना होगा, ये भाई हमारी ओल्ड सिटी है ना, इसमें जाना है, इसमें जाना है, और इसमें जाने के बाद यहाँ गैरी ओक होता है ना, गैरी ओक को एक बार इलाइट में हरा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गैरी ओक को इजीली हरा देता हूँ। वीडियो लंबा बनेगा पहले ही बता दे रहा हूँ भाई, तो जो लोग कह रहे हैं वीडियो लंबा है वो छोड़कर चले जाएंगे, या तो 10 सेकंड्स स्किप कर लेंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा, फिर वो कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे भाई लोग फेक है, ये है वो है। ये हो गया डन, यहाँ पे मॉपअप, ये यहाँ पे रीसेट किया मैंने, और यहाँ पे और एक बार हमने मॉपअप कर लिया कंप्लीट यहाँ पर, और यहाँ पर मॉपअप कंप्लीट करते ही यहाँ पर हमारा एक मिशन पूरा हो गया, और वैसे तो हमारी लेवल 24 हो गया इतनी इजीली। और यहाँ से मैं ये डायमंड्स क्लेम कर लेता हूँ सारे के सारे जितने आ रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हो क्वेस्ट के मेन्यू में ये वाला क्वेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया 150 एक्सपी का, और ये हमने इसे कैश किया। अभी क्या करना है, सेम टू सेम हमारी मॉपअप वाली ट्रिक कर सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक टास्क होता है जो कि होता है जो हमारा ड्यूल होता है ना, तीन ड्यूल मैचेस खेलने होते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है ड्यूल मैचेस खेलने का, मुझे फटाक से आपको बताना था इसीलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। मॉपअप वाली ट्रिक ही कर लो मेरी मानो तो, डायमंड्स का टेंशन मत लिया करो यार, डायमंड्स बहुत आते हैं। यहाँ पे 2-3 बार और करूँगा ना 25 लेवल हो जाएगा, सो 25 लेवल कर देता हूँ। और 35 की बात किया था मैं, पता है मुझे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता अगर मैं 35 तक बताता, तो इसलिए मैंने आपको 25 तक के ही बताया, वो भी सिर्फ और सिर्फ भाई लोग, सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे आई थिंक सो 12 मिनट्स लगे होंगे आपको 25 लेवल अप करने में। देख सकते हो कितना इजी होता है भाई लेवल अप करना, लेवल अप करते जाओ और 35 कर एक ड्यूल अकाउंट बना दो। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो बाय बाय, पीस आउट।